अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, आज खेल और खिलाड़ी में बात होगी एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक खास डिसिप्लिन की। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ है। किस डिसिप्लिन के साथ ताल्लुक है और ये आपको पता चलेगा अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह के खेलों में खास? किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार? ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है आज का लोकल राउंडअप, आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जिला गांधरबल में पैंचक साइलेट चैंपियनशिप का किया गया इनेकाद, जिसमें 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। वहीं जिला श्रीनगर में भी इस तरह की चैंपियनशिप मुनक्कद कराने के लिए तमाम तैयारियों को दी गई हतमी शक्ल। एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉन्फेडरेशन सर्टिफिकेट कोर्स के हवाले से जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन के हवाले से दरखास्तें की है तलब। ऐसे अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको फुटबॉल खेल में महारत हो हासिल। जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के इश्तराक से इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में ओपन चेस रेडिंग टूर्नामेंट का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता तमाम खिलाड़ी कर सकते हैं शिरकत। तमिलनाडु में 28 मई से मुनक्कद होने वाले कौमी सतह के हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 फरीकीन पर मबनी खिलाड़ियों का दस्ता कल होगा गोवा के लिए रवाना। टीम में इस बार 4 नए खिलाड़ियों को भी किया गया है शामिल। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ डिग्री कॉलेज अनंतनाग के जेर एहतमाम क्रिकेट लीग का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें जिले से वापस 20 टीमें ले रही है हिस्सा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इशराक से जिला गांधरबल में रोविंग चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भरपूर अपना जोश दिखा सकते हैं। गोवा में जारी 12वें सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से 28 खिलाड़ियों का दस्ता चैंपियनशिप में मौजूद। एक और मुकाबले के तहत जम्मू कश्मीर को बिहार ने 7-2 से हरा के मुकाबला जीत लिया। मजूरा जेहलिम प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में चिनार स्पोर्ट्स क्लब ने ख्वाजाबाग 11 को 18 रनों से मात देकर फाइनल के अपने नाम। इस मौके पर मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों में इनामत किए तकसीम। अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट कप के एक और मुकाबले में करीबी 11 ने ग्रेन ब्रेडस श्रीनगर को 4 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर समीर अहमद को मिला मर्द मैदान का खिताब। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में हुआ गरीबी टी20 टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, इब्तदाई मुकाबले में बर्शा नगर और केनहमा लाइन्स की टीमें रही आमने सामने। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जेर इश्तराक वादी के मुतद इलाकों में अलग अलग टूर्नामेंट किए जा रहे हैं मुनक्कद, ताकि उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका फराहम हो सके। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त आपकी खिदमत में दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाइए, डीडी कोशी चैनल पर जाइए और फिर वहां पर वीडियोस में सर्च कीजिए। वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के सारे पास्ट एपिसोड मिलेंगे, जिसमें हमने मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता लोकल खिलाड़ियों को जो है यहां बुलाया था और उनके साथ बातचीत की थी। जब भी आप फ्री हैं तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं डीडी कोशर यूट्यूब चैनल पर। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरों पर इस राउंडअप में। आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज आरसीबी का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस की टीम टॉप पर, लखनऊ दूसरे नंबर पर। रविंद्र जाडेजा आईपीएल के बकिया मैचेस नहीं खेल पाएंगे, अनफिट होकर जाडेजा आईपीएल से बाहर। ब्रेंडन मैकलम केकेआर के कोच अब नहीं रहेंगे, बन गए इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचेस की होम सीरीज के लिए विराट कोहली को दिया जाएगा रेस्ट, खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं विराट कोहली। जून में खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज। थॉमस कप में इंडियन मेंस टीम ने तारीख रकम कर दी, 43 साल में पहली बार सेमीफाइनल्स के लिए रसाई हासिल की। दूसरी तरफ उबेर कप में भारत की खवातीन को थाईलैंड से 3-0 से हार का हुआ सामना।
भारत की एथलीट ज्योति यराजी ने वुमेन्स 100 मीटर हर्टल्स का पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइप्रस इंटरनेशनल मीट में ज्योति ने 13.23 सेकंड में रेस मुकम्मल करके जीता गोल्ड और साथ ही कायम किया नया नेशनल रिकॉर्ड। जूनियर आर्चरी एशिया कप में भारत के आर्चर्स की उम्दा कारकर्दगी, 8 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। सुलेमानिया इराक में खेला गया एशिया कप। इस्तांबुल में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी, भारत की शिक्षा, जैस्मिन और अनामिका पहुंची प्री क्वार्टर फाइनल्स में। 20 मई तक जारी रहेगी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आईएसएल चैंपियन एटीके मोहन बगान ने फ्रेंडली मैच में भारत की कौमी फुटबॉल टीम को 1-2 गोल से हरा दिया। उधर चिली ने इक्वेडोर के खिलाफ इनएलिजिबल प्लेयर कैस्टलो के खिलाफ फीफा को दरखास्त दे दी। कैस्टलो पर मुतनाजिया कौमियत जो है उसका केस बन गया है। इटालियन ओपन में राफेल नडाल को डेनिस शापोवालोव ने तीसरे राउंड के मैच में हरा दिया। फ्रेंच ओपन से कबल नडाल इंजरी रिकवरी के बाद अपने दूसरे मुकाबले में भी हार गए। मैड्रिड ओपन में भी नडाल को हार का सामना करना पड़ा था। और इंग्लैंड के साबिक बल्लेबाज और एस्टन कोच ग्रैम थॉर बीमार होने के बाद अस्पताल में जेर इलाज हैं। ग्रैम थॉर ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 16 सेंचुरीज बनाई हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि थॉर जो हैं वो बेहद बीमार हैं, तो फैंस की और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों की उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। तो आप नाज़रीन हम मेहमान से मिलने चलते हैं बतवसुत रोशन ख्याल। दोस्तों आपने माउंटेन बाइकिंग का नाम जरूर सुना होगा। माउंटेन यानी पहाड़, बाइकिंग यानी साइकिल चलाना, और जब पहाड़ों में साइकिलिंग की जाए तो उसे कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। वैसे तो यह खेल बहुत ही पुराना है, लेकिन जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, यह खेल 2005 में मुतारिफ कराया गया और जिन लोगों ने इस खेल को इंट्रोड्यूस किया वो हैं रियाज अहमद वानी और उनके साथी। तब से लेकर अब तक बहुत सारे खिलाड़ी इस खेल से मुंसलिक हुए हैं, और ऐसे ही एक खिलाड़ी जो इस खेल से मुंसलिक हैं आज हमारे प्रोग्राम में मधु किए गए हैं। आइए मिलते हैं जलीदुल मुश्ताक से। जलीद, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। वेलकम सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माउंटेन बाइकिंग को आपने कब और क्यों कर चुना? 2012 से मुझे इसका शौक हुआ। एक्चुअली मैं ट्रैकिंग करता था अल्पाइन लेक्स पर, तो जो पाथ हैं पौनी पाथ, उसी पर ये माउंटेन बाइक का नेचुरल ट्रैक होता है। तो इससे मुझे शौक हुआ कि ये माउंटेन बाइकिंग इन्हीं जगहों पर ज़्यादा की जाए। और मेन चीज़ है, हम इस पैराडाइज में रहते हैं जो कि कश्मीर है, बेनज़ीर। यहाँ पर अराउंड मोर देन 100 ट्रायल्स, नेचुरल ट्रायल्स हैं अवेलेबल। उनको सिर्फ थोड़ा निखारने की जरूरत है। आप बीज बहाड़ा में रहते हैं? जी सर। और आपके बहुत करीब रहते हैं परवेज रसूल भी? जी सर। तो उसी इलाके से आप हैं, तो बहुत ही जरखेज इलाका है जहां तक स्पोर्ट्समैन का ताल्लुक है। तो वहां पर जब आप रहते हैं तो कौन सी चीज थी जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासर किया और उसने आपको माउंटेन बाइकिंग की तरफ धकेल दिया? जी, जब पहले मैंने स्टार्ट किया ट्रैकिंग, तो मैं इंस्पायर हुआ महमूद शाह साहब से। अच्छा जी, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। तो उसी वो से, भी ट्रैकर हैं बहुत बड़े। जी 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 जी, और माउंटेन बाइकिंग भी वो करते हैं, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो आप अभी बात कर रहे थे ट्रेल्स की। जी जी, एक तो होता है रूट जिसको कहते हैं हम, रास्ते होते हैं जैसे रोड होते हैं, ऑफ रोड, और ऑफ रोड में जो कच्चे रास्ते होते हैं जी जी, उनको हम ट्रेल्स कहते हैं। यस सर। तो ये ट्रेल्स आप ढूंढते हैं? जी सर। इनको मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में आप ट्रैक करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उनको आप अपनाते हैं, वहां से आप साइकिलिंग करते हैं। तो ये जो तमाम सिलसिला है आपको ये ढूंढने का, फिर उस पर साइकिलिंग करने का, और जितने भी मुख्तलिफ मराहिल हैं उनसे आपको गुजरना पड़ता है। जी सर। तो ये पहले बताइए कि ये ट्रेल्स का आइडिया कहां से आया? माउंटेन बाइकिंग तो ठीक है, यहां से आप उठाए साइकिल लिया आपने और माउंटेन्स की तरफ चले गए जहां पे पक्का रास्ता है, मैग्नमाइज रोड है, वहां तो आप कर लेते हैं साइकिल। ये कच्चा रास्ता, ये ट्रेल्स की तलाश कैसी की आपने? एज अ ट्रैकर जब हम इस रास्ते पर चलते थे तो एक्सपीरियंस उसी से हुआ, यहां माउंटेन बाइकिंग हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट किया ज़्यादातर उन जगहों में जो फार फ्लंग एरिया हैं,
जहां आम तौर पे पहुंच नहीं है। जी 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 देखिए पक्का रास्ता है, वहां आप जाते हैं जी तो सर वहां पर पहुंचते हैं, बहुत खूबसूरत इलाकों में भी आप पहुंचते हैं जी सर। तो ये जो पहाड़ी, ये एक कौन कुंड सी वैली है? है सर, बहुत सा बड़ा पत्थर है। काजीगुंड साइड से, और ये ये आरिपल साइड त्राल में, कितनी खूबसूरत जगह है ये जहां आप पंगवठन पहुंचते है, हैं और टेंट्स वगैरह भी साथ लेते हैं। ये हमने जम्मू किया था मार्च में इस साल ही जी जी ये वतना टॉप है कुकरनाग और वीरना के दरमियान, ये अस्थान मार्ग है श्रीनगर का, बहुत पैराग्लाइडिंग बहुत पॉइंट खूबसूरत। और ये ग्लेशियर जी, ये कोलाहे ग्लेशियर हैं जी, ये पहलगाम है जी, ये दूध पथरी है, दूध पथरी जी जी जी। ये जो लेक्स आप जाते हैं डिस्कवर जी, करते हैं, इन लेक्स के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत लेक्स है, जरा ये बताइए तफसील से कौन जी, कौन सी लेक्स हैं? ये तुलिन लेक था पहले, इस वक्त गंगबल हैं, ये वाली ये चोहरनाग है, कहाँ पे ये? मार्गन साइड से, मार्गन टॉप। अच्छा, और ये है अलपथर लेक गुलमर्ग साइड से, ये भी चोहरनाग ही है, ये तारसर हैं पहलगाम साइड से जी जी, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है जी, ये सरबल हैं कापरन साइड से, माशाल्लाह देखिए ये लेक कितनी अच्छी है भरी जी हुई जी, सूरसर लेक है पहलगाम साइड में। तो आप जो बर्फ में भी निकलते हैं साइकिलिंग करने के लिए, बर्फ में साइकिल को ग्रिप करना कितना मुश्किल होता है वहां पे? आप देखिए वाटरफॉल भी है और ग्लेशियर्स भी हैं, ये चैलेंजेस आप कबूल करते हैं और आपको बहुत सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिलते हैं, तो क्या अवार्ड्स आपको तहरीक देते हैं, आपको ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप नई नई ट्रेल्स को डिस्कवर करें और इस खेल को मजीद अपनाएं और इस खेल को ज्यादा पॉपुलर करें? जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहले जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनिंग बाइकिंग का एसोसिएशन का, JKMBA, जिन्होंने मुझे बूस्ट किया इसके लिए। इन 2015 मैंने ज्वाइन किया JKMBA, तो उनको उनका रोड मैप पहले ही से ही था। जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, इस अवार्ड के बारे में बताइए कौन सा अवार्ड देने हैं? ये कौन सी जगह है जी? ये वतना टॉप है, वतना टॉप जी। अच्छा जी जी जी, ये सैंडोज फॉरेस्ट है अनंतनाग में। अच्छा जी, ये नारिस्तान है त्राल साइड में, ये पहलगाम है। देखिए बहुत सारी ऐसी जगह जहां हम गए नहीं कभी और ना उन जगहों का नाम सुना है, लेकिन कश्मीर में चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हुई है और जरूरत है आप जाएं वहां और इस खूबसूरती को गले लगाएं और इसको डिस्कवर करें और इसको आम लोगों के लिए अवेलेबल रखें। तो जहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जी, तो जब आप कुदरत के बहुत करीब पहुंचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप वहां पर? जी देखिए खुली हवा है, खुली हवा है, ऑक्सीजन की भरमार है जी, सही, कोई पोल्यूशन नहीं है जी सर, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, और कहीं बर्फ है, कहीं चट्टान है, कहीं पर ग्लेशियर है और आप और आपकी बाइक है जी सर, कैसा महसूस करते हैं? बस अपनी हार्ट बीट सुनता हूं, चलता हूं। और ये दरख्त देखिए, ये भी आपसे बातें करते होंगे, ये ट्रेल जो आप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं जी सर, तो उसके बाद ये कहीं आप मार्क करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि और बाइकर जो जाएं उनको आप बताएं कि कहां कहां से जाना है, ताकि ये परमानेंट ट्रेल बन जाए, एक परमानेंट रास्ता बन जाए, कच्चा रास्ता जहां से बाइकर्स और आम लोग भी एक इलाके से, एक गांव से, एक देहात से दूसरे देहात को पहुंचे। जी जी, मैं लाइव एप्लीकेशन चलाता हूं जी, जो मोबाइल ऐप मीडिया पर, हाँ मोबाइल ऐप में आता है वो, हाँ उसमें वो सब ट्रैक करता है, जिस जगह में से जाता हूँ वो पूरा ट्रैक करता है। ये बताइए ये कौन सी जगह है? ये पैराग्लाइडिंग पॉइंट अस्थान मार्ग है श्रीनगर का, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी जी जी, ये वलर लेक है वलर साइड में। अच्छा देखिए ना क्या क्या जगह, ये लिसर टॉप है, लिसर टॉप बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, साउथ कश्मीर में। कभी ऐसा होता है कि आप ग्रुप्स में भी ट्रैवल करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, कि अक्सर आप अकेले ही होते हैं? मैक्सिमम मैं सोलो करता हूँ। अच्छा, लेकिन साथी भी होते हैं आपके? साथी हैं JKMBA में, हाँ। जो हमारे ग्रुप के हैं, फिर इकट्ठे जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ टूरिस्ट आपको मिल गए, सैया मिल गए या गांव के लोग मिल गए, वो आपसे पूछने लगे आप क्या कर रहे हैं? देखिए गांव में वहां पे हल चला रहे थे तो आप भी वहां से गुजर रहे थे, तो आप इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, वहां के लोगों के साथ, तो वो लोग क्या कहते हैं? इंटरेक्शन होती है लेकिन वहां एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, तो अगर टूरिस्ट देखते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इस खेल को ज्यादा से ज्यादा मुतारिफ कराने की जरूरत है। देखिए ये खेल कितना अच्छा है, जिस्मानी तौर पर भी आप फिट रह सकते हैं, साइकिल में कोई ऐसा खर्चा नहीं है, ऐसा कोई, हालांकि ये साइकिल बहुत महंगी है, इसकी कीमत पहले बता दीजिए।
इसमें 1.75 1.7 या 1,75,000 की साइकिल है, उतनी सस्ती भी नहीं है, लेकिन फायदे बहुत है। पेट्रोल नहीं डालना है, डीजल नहीं डालना है आपको, और जब चाहे आप साइकिल लेके निकल पड़े, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, खेतों के दरमियान से भी आप जा रहे हैं, बहुत ही शानदार मंजर है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आप कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन इलाकों से, कोई लोगों के दरमियान जाके स्कूल कॉलेजों में जाकर तो वहां पर लोगों को बता रहे हैं कि भाई माउंटेन बाइकिंग कितनी अच्छी है। देखिए ना, जितना आप माहौल को बचाएंगे उतना अच्छा है, उसके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज है जी। इसमें पोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है, और सबसे बेहतर चीज है सेहत के लिए, बहुत अच्छी जी। मैं चाहता हूं कि कश्मीर में हर कोई बच्चा, जो यंग जनरेशन मेनली है, वो इसे फॉलो करे, जिससे सेहत भी ठीक रहेगी। और हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है आजकल, जो ट्रैफिक का मसला है, अगर साइकिलिंग की जाए यहाँ शहरों के दरमियान भी, एक जगह से दूसरी जगह साइकिलिंग करके आप डिस्टेंस कवर करें, और इसके लिए डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक रखे जाएं, जैसे बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, इवन इंडिया में बीकेसी में एक साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड ट्रैक रखा गया है, और यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे सड़क के तीन हिस्से होते हैं, दाएं बाएं और बीच वाला हिस्सा जो है वो डेडिकेटेड होता है एम्बुलेंस के लिए और वीआईपीज के लिए, और साइड में रोड के डेडिकेटेड साइकिलिंग का ट्रैक होता है। क्या आप समझते हैं कि बहुत जरूरत है, खासकर पेट्रोल के दाम ज्यादा हो रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है जी। जी, श्रीनगर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये बताइए, बहुत खूबसूरत जगह है ये, कुलगाम में चरणबल है, चरणबल कुलगाम जी जी, कुलगाम चरणबल, ये ट्रैकिंग प्लेस है, वहाँ से अल्पाइन लेक्स में भी विजिट कर सकते हैं। हाँ, तो ये साइकिलिंग की है, ये जो अल्पाइन लेक्स है, जाहिर है इसमें अक्सर तो ये फ्रोजन होती है जी जी सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में फिर ये पिघलती है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत रंग होते हैं, ब्लू कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की ये लेक्स होती हैं, और इसमें आइसबर्ग्स होते हैं, वो फ्लोट करते हैं, और कितना खूबसूरत मंजर, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, आप हैं, हरियाली है जी, आइसबर्ग्स हैं, और साथ में ये ट्रैक है, और इतने पहाड़ हैं, तो ये खेल जो है इसको बशर्ते एक टूरिज्म का हिस्सा भी इंट्रोड्यूस कर किया जाए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसमें रखना चाहिए इसको, तो टूरिस्ट भी आ सकते हैं, उनको अगर साइकिल्स अवेलेबल हों वो भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो भी साइकिलिंग कर सकते हैं। पिछले साल हमने पहलगाम में भी ये पहल की थी टूरिस्टों के लिए। ये कौन सी जगह है? ये अहरबल है विंटर में। अच्छा। जी देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, सूरज निकल रहा है पीछे से, डूब रहा है जी। और आप अपनी बाइकिंग करते चले जा रहे हैं, बहुत ही मगन, बहुत ही मजे से, बहुत ही स्मूथ, इसमें कोई रफ्तार की जरूरत नहीं है आपको, कोई मंजिल पे जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सुकून से चल रहे हैं। ध्रंग टंग मार्ग है, टंग मार्ग जी, ध्रंग ब्रंग, हाँ ध्रंग बहुत खूबसूरत है वहाँ, ब्रंग में ध्रंग सॉरी ध्रंग में फ्रोजन, ये देखिए फ्रोजन वाटरफॉल है जी जी, ये फरवरी में मैं गया वहाँ, ये फरवरी में कुछ फ्रोजन भी है और कुछ वाटरफॉल इसमें बह भी रहे हैं जी जी, तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है, इस जगह को भी प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ वैसे बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं जी जी द्रंग में जी। तो मौसम में गर्मा में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अलग ही माहौल होता होगा जी जी, तो खाने पीने का क्या इंतजाम है, आप कैसे मैनेज करते हैं, अकेले जा रहे हैं आपके पास खाना नहीं है? जैसे हम ट्रैकिंग पर जाते हैं लाइट फूड साथ ले जाते हैं, वैसे ही माउंटेन बाइकिंग के साथ भी वही, क्या लाइट फूड में बिस्किट्स वगैरह जूसेस? हाँ ड्राई फ्रूट्स जी। तो इसके लिए कितना जरूरी है फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस मस्ट है, क्योंकि देखिए इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर हम लॉन्ग ट्रैवल्स में जाते हैं तो पहले प्रैक्टिस स्टार्ट होनी जरूरी है। आपने छोटा से छोटा डिस्टेंस जो किया टू बिगिन विद वो कितना किया? 20 to 30 जब स्टार्ट किया था आपने 2012 में, फिर हो गया वो 50 फिर 70। तो आपको लगता है ये नेशनल लेवल पे भी गेम बहुत पॉपुलराइज हो रही है? बहुत हो रही है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली ये माउंटेन बाइकिंग ज्यादा चलती है जी जी जी। तो एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, आदाब जी, अपना नाम बताइए। बरसा बोल रहे हैं, एमके बटू जी। बरसा, वेलकम टू दिस प्रोग्राम वंस अगेन। मिस्टर एमके बट, रिवर रेगुलर कॉलर, ये मैंने देख लिया,
मैं मुबारक करना चाहता हूं, मैंने एक सेक्रेटरी ऑफ लाइफ देखे, सेक्रेटरी ऑफ नेचर, दीज आर कॉल्ड स्किल्स. आई एंजॉय द सेक्रेटरी ऑफ माई कश्मीर. आई लव लव आई वॉज वॉचिंग माइन्यूटली द प्लेसेज विच आर द सेक्रेट्स. दीज आर द वर्ड्स वर्थ इन सेक्रेट्स बिकॉज आई लव इट नेचर, आई लव इट. हाँ, मैं बहुत पसंद, मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर साहब, इन्होंने ये वीडियो क्लिप्स ज्यादा देखे. तो जुनीद साहब, देखिए जुनीद साहब कर रहे हैं, व्हाट अबाउट आवर प्लेयर. ये नेचर उन्होंने बड़ा एंजॉय किया फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी स्पोर्ट्स थ्रू किया, ये किस्मत वाला है. तो आई माई सेल्फ नेचुरल ब्यूटी लवर, बट ये तो लाइव जा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपने जो ये हर्ड ये किए ना हर्डल, सीक्रेट ऑफ लाइफ, बीच में आपने कुछ देखे हैं नेचर के जो सीक्रेट्स होते हैं? बहुत अच्छा कुछ एक ना कुछ अनजान सीक्रेट्स सही जो होते हैं नेचर में, वो आपने देखे इस वाइल्ड साइकिलिंग एंड ट्रैकिंग इन माउंटेन्स एंड जिस कुछ बताए कोई कोई खास खूब जो सीक्रेट्स होते हैं लाइफ में, वो कुछ आपने देखे हैं रस्ते रस्ते में आप जाते हैं? जी जरूर, ये सवाल पूछ रहे हैं. आवर ब्यूटी, आवर कश्मीर इज नो डाउट द ब्यूटीएस्ट इन द वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच सर, आई लव. थैंक यू वेरी मच. इनका सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है कि जब आप कुदरत के करीब पहुंचते हैं तो कुछ कुदरत के राज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप आम तौर पर नहीं जानते, आम लोग नहीं जानते. कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोई ऐसा मौका आया हो जहां पे आपने कोई ऐसी चीज देखी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, कई दफा देखे हैं, जोरिंग ट्रैकिंग और जोरिंग माउंटेन बाइकिंग. अगर इंसान गाड़ी में होता है तो इधर उधर ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती है किसी चीज में इन्वॉल्व होने में, माइन्यूटली हम नहीं देख सकते हैं किसी चीज़ को. जोरिंग ट्रैकिंग और जोरिंग साइकिलिंग, इस वक्त इंसान पूरा माइन्यूटली देख सकता है, रुक भी सकता है, देख भी सकता है. तो मैंने ये मरगन टॉप साइड जो है वहाँ मैंने बहुत चीज़ देखी हैं जो समथिंग डिफरेंट है. मसलन शेप्स माउंटेनस में. अच्छा. जो ग्रीनरी है उसमें समथिंग जो प्लांट्स. हाँ. और वहां जंगल में जब आप जाते हैं ना जी, जंगल के जो मुख्तलिफ अशजार होते हैं उनकी अपनी खुशबू होती है जी, जी. वो भी एक कुदरत का करिश्मा होता है जी जी, जी. बहुत शुक्रिया. आखिर में ये बताएं कि जो हमारे देखने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? सब यूथ को मैं इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि साइकिल लाइए, साइकिल चलाइए, एज ए हैबिट बनाइए. जैसे हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वैसे ही माउंटेन बाइकिंग का हैबिट शुरू कीजिए. जलीदुल मुश्ताक, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत मज़ा आया. ख़ास तौर पर ये जो वीडियोस हमने देखे इसमें आप मुख्तलिफ इलाकों में गए तो हमारे नाजरीन भी बहुत महसूस हुए होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और नाजरीन, अब चलते हैं दोबारा से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास. शुक्रिया रोशन भाई. यकीनन एक माउथ वाटरिंग एडवेंचर स्ट्रीट उम्मीद है नाजरीन को भी जरूर पसंद आई होगी. नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मैंने पढ़ ली जिस दौरान आप ये इंट्रैक्शन एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से एंजॉय कर रहे थे, वो है कि पैट कमिंस इंजर्ड हो गए हैं. तो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हमने ये बोला कि जाडेजा आईपीएल से बाहर हो गए. अब ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार बॉलर हैं केकेआर के लिए खेल रहे थे पैट कमिंस, वो बाहर हो गए. और एक खास बात, भारत के जो लेजेंड बैट्समैन रहे हैं फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की जो काउंटी चैंपियनशिप में लगातार उमदा परफॉर्मेंस है, 4 सेंचुरीज अब तक बना चुके हैं, 2 डबल सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज, उनने ये उस हवाले से जो है एक बयान दिया है कि चेतेश्वर पुजारा की जो फॉर्म है वो काउंटी चैंपियनशिप में है और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनकी रिटर्न होने वाली है, क्योंकि वो तो ड्रॉप किए गए थे श्रीलंका सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम से, तो ये जो है ये इतना इजी नहीं होगा क्योंकि काउंटी चैंपियनशिप में जो बॉलिंग हो रही है उस पर चेतेश्वर पुजारा के स्टैंडर्ड के बैट्समैन रन बना सकते हैं. तो इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इख्तिताम जो है वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। वो देख पवन आ गया।